वेलकम इन प्रियदर्शनी आर्ट क्लासेस। मैं मंजू खजांची, आज वाटर कलर से आप बुद्धास पेंटिंग कैसे इजी वे में बना सकते हैं वो दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप एक वाइट टीके पेपर ले लें और उसके सेंटर में इस तरह बुद्धास के नोज़ और आईब्रो फेस के स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद हम आइज को इस तरह से आकार देंगे। यहाँ थोड़ी क्लोजिंग आइज है तो इस तरह से हमें सेमी सर्कल शेप में ऊपर के पलकों को ड्रॉ करना है और नीचे की लाइन को मिला देना है। इसके बाद हम नोज़ के नीचे सेंटर लेते हुए लिप्स को ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से आपको लिप्स को ज्वाइन करके अपर लिप्स के बाद नीचे की लिप्स को ड्रॉ करना है। इस तरह से स्ट्रक्चर आइज नोज लिप्स का रेडी हो जाए तो आप दोनों साइड में पॉइंट्स लेके इस तरह फेस के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लें और फिर नोज के ऊपर टू फिंगर डिस्टेंस लेते हुए आप अपर हेड पोर्शन को ड्रॉ कर लें। फिर हम बुद्धास के कान को ईयर को ड्रॉ करेंगे। बुद्धास के कान लंबे होते हैं तो इस तरह से आपको इन्हें आकार देना है। और फिर इसके बाद हम ऊपर के हेयर के पोर्शन को कानों के ऊपर से ड्रॉ करेंगे। सो इस तरह से कान के दोनों तरफ ऐसे टच करते हुए हेयर को हम ड्रॉ करेंगे। फिर ऊपर एक और सेमी सर्कल बना के हेयर के नॉट को दिखाएंगे। अब शोल्डर के पार्ट को ड्रॉ करेंगे और फिर नेक के नीचे थोड़ा डिस्टेंस छोड़ते हुए एक लोटस को हम ड्रॉ कर लेंगे। सो लोटस के सेंटर के पंखुड़ियों को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे की पंखुड़ी को हम बनाएंगे और उसके बाद उसके दूसरे पेटल्स को लोटस के ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आपको दोनों तरफ के पेटल्स ड्रॉ कर लेने हैं और इसके बाद हम कंधे पर से एक कपड़ा आंचल दुसाला जो है वो ड्रॉ करेंगे बुद्धा के। तो अब हम वाटर कलर स्टार्ट करते हुए बैकग्राउंड को पहले कलरिंग करेंगे। तो बैकग्राउंड में सबसे पहले आप थोड़ा पानी स्प्रेड करके हम पर्शियन ब्लू कलर को स्प्रेड करेंगे। इस तरह उसके साथ लाइट ग्रीन कलर को थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अगेन पर्शियन ब्लू को फिर डाल के कोई कोई हिस्से पार्ट को हम डार्क करेंगे। अपोजिट साइड भी इसी तरह पहले वाटर को आप स्प्रेड कर दें उसके बाद थोड़े से पर्शियन ब्लू को आप डालें कहीं कहीं ताकि कुछ हिस्से वाइट हो जाएं और इस तरह लाइट डार्क का आपका प्रभाव आएगा और फिर लाइट ग्रीन उस पर कहीं कहीं आप डाल दें और फिर अगेन पर्शियन ब्लू लेके कुछ हिस्सों में डाल के इसे आप डार्क करें। अब उसके बाद फेस को भी हम पानी से पहले वॉश कर देंगे और कॉर्नर से पर्शियन ब्लू की आउटलाइन करते हुए सारे डिज़ाइन में फेस के स्प्रेड करेंगे। आइज़ फेस के कॉर्नर, नोज़ के कॉर्नर, इस तरह से सभी जगह पे पर्शियन ब्लू कलर को स्प्रेड करेंगे। तो इस तरह से कहीं पे लाइट और कहीं पे डार्क का प्रभाव आ जाएगा। जहाँ भी एक्स्ट्रा कलर आ जाए आप तुरंत फ्लैट ब्रश लेके उसे रिमूव कर ले और कपड़े में पोंछ ले। अब नेक के पोर्शन, गर्दन के पोर्शन को भी इसी तरह हम पर्शियन ब्लू कलर डालेंगे एक साइड से और स्प्रेड करेंगे ताकि एक साइड हमारा डार्क और एक साइड लाइट दिखे। अब कान में भी हम इसी तरह कॉर्नर्स में पर्शियन ब्लू डाल के इसे राउंड ब्रश की मदद से स्प्रेड करेंगे। तो बड़े हिस्से में आपको फ्लैट और छोटे हिस्से में राउंड करना है और हेयर के पोर्शन में भी हम पर्शियन ब्लू कलर डालेंगे
और स्प्रेड करेंगे, और दूसरे जो हिस्से में है ना हेयर के हाफ पार्ट को डार्क दिखाएंगे तो हम ब्लैक कलर डालेंगे, और फिर इस ब्लैक और पर्शियन ब्लू को हम आपस में मिक्स कर देंगे हल्के से। ऊपर के हिस्से में भी हम ब्लू कलर डालेंगे, पर्शियन ब्लू कलर बालों के, और फिर लिप्स के नीचे भी थोड़ा सा पर्शियन ब्लू कलर से राउंड ब्रश से आउटलाइन करेंगे, और चिन का पार्ट नीचे बना देंगे इस तरह से। तो बारीक काम के लिए आपको राउंड ब्रश यूज करना है, और बड़े वर्क के लिए आपको फ्लैट ब्रश यूज करना है। अब लिप्स में भी हम इसी तरह से ब्लू कलर से हल्की सी आउटलाइन कर देंगे और इसे स्प्रेड कर देंगे। आईब्रोज में भी हम पर्शियन ब्लू और इसमें थोड़ा सा ब्लैक मिला के आउटलाइन कर लेंगे आईज आईब्रो सबकी। और फिर आईलैसेस भी इसी कलर से हम बना लेंगे, और आंखों के ऊपर और आईब्रो के नीचे इन दोनों बीच के हिस्सों को हम थोड़ा गहरा प्रभाव देने के लिए पर्शियन ब्लू वापस डालेंगे और स्प्रेड करेंगे पलकों के ऊपर भी, और फिर नोज की भी पर्शियन ब्लू कलर से आउटलाइन कर लेंगे तो नोज का आकार नाक का क्लियर हो जाएगा हमारा, और उसके नाक के नीचे ब्लू कलर से थोड़ा सा शैडो डालेंगे, और फिर चेहरे को आकार देंगे 0 नंबर राउंड ब्रश लेके आउटलाइन कर देंगे पर्शियन ब्लू कलर से, और नेक के नीचे थोड़ा सा डार्क पर्शियन ब्लू और ब्लैक मिक्सचर जो है कलर का उसको डालेंगे, और उस हिस्से को गर्दन के उस हिस्से को डार्क करेंगे और बीच में थोड़ी सी लाइनिंग देंगे ताकि शैडो छाया का प्रभाव दे सके। अब कान की भी हम इसी तरह से आउटलाइन कर लेंगे, तो हम पर्शियन ब्लू और ब्लैक कलर के मिक्सचर से ही इसकी आउटलाइन करेंगे दोनों साइड। इस तरह कान की आपको आउटलाइन कर लेनी है, और आंखों के पलकों के बीच में थोड़ा सा वाइट देके अब जो हिस्सा हमें लाइट दिखाना है वहां वहां अब हम वाइट कलर डाल देंगे। लिप्स में भी थोड़े बीच में लाइट ताकि रोशनी का प्रभाव आ सके, उस हिस्से को हम वाइट डाल देंगे, और ऊपर से लिप्स के ऊपर भी वाइट कलर की थोड़ी सी आउटलाइन कर लेंगे। अब स्माइल यानी मुस्कुराने का आकार देने के लिए ब्लू कलर से अल्ट्रा मिलियन ब्लू कलर यहाँ लेंगे, और थोड़े से नाक और लिप्स के बीच में हम एक लाइन कर्व लाइन लेके उसे स्प्रेड करेंगे हल्का सा। अब ब्लैक कलर लेके हम बालों में डिज़ाइन करेंगे, तो हमें सिर्फ सर्कल राउंड शेप बनाने हैं इस तरीके से पूरे बालों में। तो ब्लैक कलर लेते हुए और राउंड 000 ब्रश आप ले लीजिए, और सर्कल पूरे हेयर में ऊपर और नीचे दोनों पार्ट में हम सर्कल से भर देंगे हेयर को, और फिर अगर आपके पास वाइट एक्रेलिक पेन या वाटर कलर पेन है तो उनके बीच में वापस एक स्मॉल सर्कल वाइट कलर से कर दें, नहीं तो आप वाटर कलर वाइट भी लेके 000 से आउटलाइन कर सकते हैं। अब नीचे के हिस्से में भी ब्लैक कलर लेके आप 000 राउंड ब्रश से इस तरह से सर्कल बना लीजिए पूरे हेयर में। सबसे पहले नीचे की फेस की तरफ की आउटलाइन कर लीजिए, अब उनके बाद दो सर्कलों के बीच में वापस से सर्कल बनाएंगे, इस तरह से आपको ये सर्कल बनाते जाना है, और पूरे बालों के हिस्सों को कवर कर लेना है सर्कल से।
बीच में सर्कल थोड़े बड़े होंगे और किनारे आते हुए थोड़े छोटे हो जाएंगे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसे स्प्रेड करेंगे, हल्का हल्का कहीं डार्क प्रभाव देने के लिए ब्रश की मदद से एक तरफ, फिर वाइट पेन लेके उसके अंदर हम सर्कल बना लेंगे। आप वाइट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वाइट पेन नहीं है तो। पेन होने से हमारा वर्क थोड़ा फास्ट और इजी हो जाता है डिटेलिंग करने में। अब ब्लैक और पर्शियन ब्लू के मिक्सचर को लेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे और कुछ बैकग्राउंड में इस तरह ट्री की टहनियाँ बना लेंगे और पत्ते को इस तरीके से बनाएंगे। तो कुछ पत्तों के आकार देंगे हम पीपल के पत्ते जैसे, कुछ बड़े और छोटे पत्ते। इसके लिए हम राउंड 2 नंबर ब्रश का यूज़ करेंगे और इस तरह से नीचे आते हुए पत्ते छोटे हो जाएंगे और आपको इस तरह इफेक्ट देना। फिर ब्लैक जेल पेन लेके आप बारीक बारीक टहनियों को बना लेना है और लेमन येलो कलर लेके अब सेंटर में हम एक बिंदी बनाएंगे तिलक, और हल्का सा ऑरेंज कलर साथ में लेमन येलो के टच करेंगे ताकि येलो ऑरेंज का इफेक्ट आए बिंदी में, और हल्का सा ऑरेंज लेके कॉर्नर्स में भी डालेंगे। अब लेमन येलो कलर या डीप येलो कलर दोनों आप में से कोई भी लेके आ दुपट्टे के हिस्से में फील कर लें उसे, और फिर ऑरेंज कलर लेके दुपट्टे के लाइंस की आउटलाइन कर लें, और फिर डार्क ब्राउन कलर लेके उसके किनारे से फिर पतली आउटलाइन 000 ब्रश की मदद से कर लें। अब लोटस के लिए क्रिम्सन रेड कलर लें और सारे लोटस डिज़ाइन की पहले आउटलाइन कर लें। इसके लिए भी हम 000 ब्रश की मदद लेंगे और क्रिम्सन रेड कलर लेंगे। अब उसके बाद नीचे के हिस्से को लोटस के डार्क करेंगे और सेंटर में हम लाइंस देंगे। तो कमल के पत्तों को इस तरह से सेट करेंगे, सेंटर को भी थोड़ा सा ऊपर से डार्क करेंगे और बीच में हम लाइंस खींच देंगे। अब सेंटर जो सबसे लोटस का पार्ट है उसमें भी थोड़ा ऊपर से स्ट्रोक्स देंगे हम 000 ब्रश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।